देखो भाई, शेप पे मत जाना, शेप को मैंने ऐसे कटोरी से ढक दिया है। और ये इतनी ज्यादा चाय हो जाती है ना कई बार, तो चाय पीनी बंद। जो पहले पीती थी वही पिया करूंगी सुबह सुबह। ये काढ़ा बना, ये काढ़ा बन गया है और हम बैठे हैं रजाई में। दिया हो गई है तैयार स्कूल के लिए। अब चाय बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ना मैं खुद पीती हूँ बना के, उसके बाद कोई आ जाता है या कहीं चली जाती हूँ तो वो ज्यादा हो जाती है, तो अपने घर में ही कम करनी पड़ेगी। सुबह की तो बिल्कुल बंद, एक चाय दिन की करनी पड़ेगी। अब आज मैं घूमने नहीं गई, घर पे ही एक्सरसाइज करके देखी, सूर्य नमस्कार करके देखा, पर लेफ्ट लेग में मतलब नी के पास स्वच आ रहा है, तो मैं ज़्यादा लेना नहीं चाहती। एक बहुत प्यारा बच्चा है, उनकी फैमिली है, वो चैनल ही देखते हैं, वो यहीं आए हुए हैं, मुंबई से हैं वो, बेसिकली पूना से, सॉरी। तो वो आएंगे, मैंने उनको 10 बजे बुलाया है, तो इसीलिए मैंने कहा घर में ही आज एक्सरसाइज करती हूँ। और इवनिंग में आपको बतानी भी है कि बैक पेन की एक्सरसाइज कैसे होगी, तो वो अकेले शूट हो नहीं सकती है, तो दिया के साथ शूट करूँगी। तो आज मैंने घर में अपनी टायर को कम करने के लिए एक्सरसाइज काफ़ी सारी करी है और करती रहूँगी। आप सब लोग पूछ रहे हैं ना धूप कितनी, धूप बहुत तेज पड़ रही है, और मतलब ऐसा ये डेली पानी जैसे डालते हैं ना तो सूखने लगे हैं। अभी मैंने खाली इनर कुछ नहीं पहना हुआ, टी शर्ट पहनी हुई है और ये ऊपर बस खाली है, तो इसमें काम चल रहा है। यह शिवा मिलने आया था ना, मैंने उसकी क्लिप ली थी और वो इसमें आए नहीं क्योंकि कैमरा हैंग हो गया था। वो बेचारा इतना एक्साइटेड होके गया था ना कि मेरे साथ फोटो दी थी, उसके पापा से फोटो लूंगी फिर मैं डाल दूंगी। दिया के साथ भी फोटो ली है। आज हमने सोचा है कि कुछ हैवी ना खा के रात को सूजी का चीला बनाया जाए, है दिया? इनका आइडिया? हाँ, मेरा आइडिया था क्योंकि हल्का होगा और हेल्दी भी होगा, है दिया? उससे पहले दिया एक्सरसाइज करके दिखाएगी बैक पेन की, क्योंकि मैं अभी लग की वजह से कर नहीं सकती। बहुत ड्रामेबाज लड़की है। सब्जी लेने जा रही हूँ आज, इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी कि कितना सक्सेसफुल हुआ ये। अब ये टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। पहले लेके आती हूँ दही, दही लेनी है तो भैया की शॉप से, दही पनीर तो कुछ है भैया ले ले, कुछ आते ही यहाँ की याद आ जाता है। सब्जी भी ले ली, फ्रूट्स भी ले लिए। सब्जी यहाँ से लिया है, 60 रुपए की आई है दो, क्या करूँ, वो नारियल छिलवा रही हूँ। कहीं आलू अच्छे नहीं मिल रहे, कहीं किसी पे कुछ अच्छा नहीं मिलता, टमाटर अलग लिए हैं, आलू अलग लिए हैं, सब्जी अलग ली है, सब कुछ अलग अलग लेना पड़ता है। इतना सारा सामान हो चुका है, जाके दिखाऊंगी अभी। ये तो मेरी मेहनत वैसे हो चुकी है सक्सेसफुल। मैं सामान कितना लेने गई थी और लाई कितना, जैसे कि सब्जियों का कूड़ा जो सब्जियों का निकलते हैं छिलके वगैरह, वो मैं इन्हीं पन्नियों में डाल देती हूँ और बाद में सुबह उठ के उनको देख के आती हूँ। 40 रुपए में देखिए नारियल, नहीं नारियल का बच्चा आया है। या नारियल बहुत महंगे मिलते हैं, एक एक नारियल जो पीने वाले पानी के होते हैं 70-70-80-80 रुपए के मिलते हैं। ये मैंने दही में सूजी वो कर ली है, आरती की आवाज़ आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है परमार्थ की। आपको कई बार वहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कानों में आरती सुनाई देती है। काफी टाइम हो गया आरती में, मैं तो गई थी, आप लोगों को नहीं लेके गई। अभी बजे शाम के 5:15 बजे हैं और 7 बजे के करीब बनाऊंगी, तो तब तक ये भीगे रहेंगे और फूल जाएगा। अब करते हैं चटनी की तैयारी। हनुमान जी वाली स्टाइल में इसका वो कर देती हूँ श्री गणेश। इसको आवाज लग गई थी इसका पानी कितना अच्छा लगता है ना, मेली रख देना। राम प्रसाद आज जो गा रहा है ना, देखो ऐसा मन कर रहा उड़ के पहुंच जाऊं मैं। फिर यहाँ की दही में ना देखो ऐसे मलाई होती है, इतनी मोटी मोटी मलाई। और इस चटनी को ना इतना बना लो, इस चटनी से हम रोटी खा सकते हैं दोनों मम्मी बेटी।
एक और चटनी बनती है आलू की दही में मिला के ना, लेकिन वही है ना कि घी डलता तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें मजे आ जाते थे। सब्जी भी फेल है उस चटनी के सामने। लड़की से कहा कि आ जा, यो कर वो कर, बच्चों से ले जा, पता क्या बोलती है, कह रही बच्चे आने बंद हो गए, बच्चे बंद ही हो गए आने, बच्चे निकलते ही नहीं है घर से बाहर। आज का दिन इस लड़की ने ऐसे ही निकाल दिया, देखो कोई एक्सरसाइज नहीं बताई है ना। अभी जब मैं आई तब आप नहीं थी। देखो मैं ना रेनू के साथ गंगा जी चली गई, और गंगा जी जाके वहां जो नजारे देखे ना, मतलब नजारे देखो फिर जाओ, अरे ऐसे चांद निकल रहा था इतना बड़ा, और मैं ना फोटो खींच के लाई हूँ इंस्टाग्राम पे डालेंगे, इतना मतलब हम वही हम ना चांद को देखते निकल के वहीं बैठ गए। मैंने कहा चलो अब यहीं बैठ जाते हैं, और फिर मैंने कहा एक्सरसाइज तो कल बता देगी, पर आज का दिन रिलैक्स था एकदम से बढ़िया। अब ये जरूर बनवा के खाएगी मेरे से बढ़िया बढ़िया, है ना वो। अच्छा आप वो बनाओगी ना तो? तू बहुत बड़ी फूड ब्लॉगर बनेगी अगर बनेगी तो, तू चैनल की ना सारी दिशा फेर देगी एकदम से। मोटिवेशनल फूड ब्लॉगर दिया शर्मा। नहीं चटोरी, अपना नाम चटोरी, चटोरी से वो कर दियो, एंजॉय लाइक लोकल चटोरी दिया शर्मा। खाना कौन बनाएगा तेरे लिए? ये देखो अभी एक्सरसाइज कराने के लिए खाता, नीचे जा रही है फुटबॉल, पागल हो चुकी है लड़की खेलने के लिए। इस तवे पे बनाने की जरूरत कर रही हूँ क्योंकि इसमें बड़े बनाती हूँ बड़ा ना, मम्मी नीचे संभाल के रख गई। और पहला तो टूटता है हमेशा, है ना भाई, पहला हमेशा टूटता है। आज इसने कसम खा रखी है बदतमीजी करने की, कभी कभी होती है ना। मैंने आखिर निकाल ही लिया, यही तवा हमारा बेस्ट है। ये अच्छी कोशिश करता है लेकिन फिर टूट गए। वो तो सॉफ्ट है ना, एकदम से दही ज्यादा डाली है ना मैंने, आधा किलो दही की। मैं इसको एक बात कह रही हूँ, मैंने कहा जैसे वो किसान था ना, तो किसान ने अपने बेटों से बोला, पड़ोसियों से बोला कि क्या कहते हैं भाई खेत मेरे खेत को वो कर दो जोत दो, तो कोई नहीं माने। फिर अगले दिन फिर किसान दो चार दिन बाद खुद ही मतलब करें। इनका कहना है कि खुद ही करेंगे, खुद ही करें। तो मैं मतलब मैं एक्सरसाइज में खुद ही करके दिखाऊंगी ना कि पीछे से ऐसे करिए, ये इसको खाने का काम ही सौंपा जाएगा, अब ये खाने के एक्सपर्ट नहीं है। देखो ये शेप पे मत जाना, शेप को मैंने ऐसे कटोरी से ढक दिया है, और ये मैं दिखाती हूँ शेप बदतमीज है ना ये। देखो और इसके अंदर जो मैंने ये शिमला मिर्च डाली है ना, प्याज, और वो इसको उठाने से ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि मुंह में जाते ही आहा मजा बच जाओ। अच्छी बनी है। ओ कितना सोफिस्टिकेटेड, जरा जरा सा खा, गरम है अभी कैमरा बंद होते ही ना पूरा पेलेगी। मतलब इतनी बेवकूफ लड़की है, माँ ही दिखाएगी हमेशा। ये ना ये देखो, ये बड़ा टुकड़ा लिया और ये गया और ये वापस आ गया। तो इसी के साथ हम गुड इवनिंग कर लेते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और इसकी तरह बढ़िया बढ़िया चटोरी चटोरी चीजें खा रहे होंगे। चल भाई, लड़की बड़ी मुश्किल से रेडी हुई है, अब मरकट आसन करना है। नी को उठा, दोनों नी को उठाओ और उस साइड पलट दे अपनी, अब इस तरह इसके अपोजिट देखना है। ये बेस्ट एक्सरसाइज है, ये एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मरकट आसन है ये, और जितना हो आप उतना ही करें। एक दिया, सीरियस हो जा, अब स्ट्रेट आसी दिया सांस छोड़ती हुई। भैया ये बदतमीजी से करेगी। मैं बता देती हूँ, दोनों पैर किए, ब्रीथ किया, और ये आपकी लोअर बैक में ना स्ट्रेच आता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम चेयर पे बैठते हैं, आजकल आपको पता है सिटिंग जॉब काफी है, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में। छोड़ दिया, फिर गहरी सांस भरी, छोड़ी, फिर सीधे आ गई। ये मेकअप लगा के कौन बताता है? मैं बाहर गई हुई थी, बदतमीज है ये लड़की। अब दूसरा क्या है, दूसरा ही सेम है, गहरा सांस भरा, ये में, और ये भी लोअर बैक में स्ट्रेच आ रहा है, फिर गहरी सांस भरी दूसरी। अब मैं ये वाली एक्सरसाइज ना आपको इसको टच करना है, मेरे से टच नहीं हो रहा है, मेरे को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा पैर को, क्योंकि इसमें ना मेरे यहाँ पे नी में स्ट्रेच आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो कभी दोबारा से खिंच ना जाए, तो इसलिए इस वाले पैर को मैं कम कर रही हूँ। इसको इस पोस्चर को देख लें आप, कि आपका पैर जो दूसरा जो ये नी है ये आपका यहाँ लगेगा, ये सर जाएगा ऐसे अपोजिट साइड में सर जाएगा,
नेक्स्ट पोस्चर में अब बता रही हूँ, सांसों का ध्यान रखिए प्लीज, मेरे मोटापे की तरफ मत देखिए मैम। तू करेगी ढंग से? हाँ। मैं एक पोस्चर बताती हूँ फिर तू करिए। हाँ। करना सेम, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बिल्कुल कमर सीधी, गहरा सांस भरेंगे, पैर उठाएंगे और अपने लेफ्ट साइड में और ये मैं कर लूंगी, ठीक है? ऐसे ही जाना है, फिर सांस भरें, ये वाला पैर ज्यादा नहीं उठ रहा, अब हम आते हैं ये दोनों हाथ को ऐसे इधर दिखा, यहां दिखा हाथ, इतनी दूर से बैठ के तो मैं भी कर देती, ये हाथों का पोस्चर ये देख लीजिए, एक दूसरे में उंगलियां फंसी होनी चाहिए और ये पैर पीछे से स्ट्रेट। हाँ। और इनको ना दो दो, कम से कम दो दो या तीन तीन के सेट पे करें, भगवान कसम राम बाण नहीं, आपकी बहुत जल्दी बैक पेन ठीक हो जाएगा। अब ऐसे उठे और अपने एडी को देखना है, पैर की एड़ियों को, एक आंख से दोनों आंख, जितनी ज्यादा सांसों का ध्यान रखे, सांस भरना है। अब चाइल्ड पोज, पहले एक पैर को 10 टाइम, 1 2, ऐसे ही दूसरे को, जिसका जितना मुड़े ना उतना मोड़ो, जैसे ये मेरा पूरा मतलब मुड़ रहा है काफी, इसको मैं कम मोड़ रही हूँ, ठीक है? दोनों को 10-10 बार करके फिर दोनों पैर एक साथ, ब्रीद आउट ब्रीद इन, और नीचे ले जा, ब्रीद आउट, ऊपर तक ले जा इसको, हाँ उठा, हाँ जब ये नीचे जाएगा सर ऊपर आएगा। हाँ इसको भी 10 बार करें, कम से कम एक एक पोस्चर को 10 बार करें, खड़ी होनी पे। जितनी देर तक हो उतनी देर तक करें, ज्यादा देर तक ना करें, जिससे नहीं हो रहा वो अभी ट्राई ना करें, पहले धीरे धीरे वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि इसमें एकदम झटका आ सकता है। चलो वापस आओ, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, आराम आराम से। एक सबसे बड़ी चीज बताऊं, हम ना ऐसे बैठते हैं चेयर, आप हमेशा देख लेना, हम ऐसे ऐसे झुक के बैठते हैं, तो ये आजकल के बच्चों में ना ये जो ऊपर के मांस है ये निकलने लगा है, पीछे से कमर भी ऐसे कूप जैसे निकलने लगी है। अगर स्ट्रेट, आप अंग्रेजों से हम एक चीज सीखते हैं, उनका हमने जैसे पिज्जा पास्ता सब सीख लिया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, वो हमेशा खाने के बाद पानी पीना भी सीख लिया, कि वो खाना पानी पीते हैं तो भाई अंग्रेज, बहुत अंग्रेज है वो गलत चीज है। उनकी सबसे बढ़िया चीज एक क्या है, वो स्ट्रेट बैठते हैं, और उनका बॉडी पोस्चर ना वो इसलिए लंबे होते हैं, इसलिए हाइट लंबी होती है कि उनकी वो स्ट्रेट बैठते हैं ज्यादातर, तो स्ट्रेट बैठने की आदत है, तो स्ट्रेट बैठिए तो उससे कमर की आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी आपकी बीमारी। नहीं हो गया, कितनी जल्दी लपेटा इसने। ऐसे काम तो बहुत, थोड़ी और कर लेती है एक्सरसाइज, रात के 9 बजे तो तेरे को टाइम ही भी होता है मैडम, तेरे को, तू हम क्या समझती है? मैं बिजी हूँ, हाँ बिजी हूँ बहुत खेलने में। लेवल से बात याद आ गई, मैंने जो वो बीच दिखाया था ना, ब्यूटीफुल बीच, जो मैं योगी के साथ गई थी, वो पता नहीं किस पता नहीं कोई पठार के नाम से है उसका नाम जो है, और फिर एक बच्चे ने कमेंट किया कि भाभी जी वहाँ पे, देखिए मुझे पता नहीं था, हर महीने 2 डेथ होती हैं, क्योंकि जो क्रॉस करके जाते हैं ना, तो पीछे से हम लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं सायरन कि भाई पीछे से अलार्म बजता है, वो यहाँ पे भी हो चुका है कई बार, कई बार पैर स्लिप कर जाता है, कई बार फ्लो बढ़ जाता है तो काम हो जाता है, तो ध्यान रखिए बिल्कुल, क्योंकि जान है तो जहान है। आजकल मैं जहाँ जा रही हूँ ना पैदल, बहुत पैदल जा रही हूँ, तो मेरे हो गए हैं 15,539 स्टेप, ये पैदल के स्टेप हैं मेरे। बिल्कुल ही अलग बैठते हैं एकदम दूर आके ना, सबसे शांत। ये लाइटें ऐसी लग रही हैं गंगा जी में, जैसे दिए जल रहे हो ना, देखो। बहुत देर से देख रही थी मैं, फिर मैंने कहा चलो अब चलने का टाइम हो गया है, काफ़ी देर बैठी रही ऐसे ही। बैक पेन, मतलब बैक जो है हमारी सबसे ज़्यादा आधारी वही होती है हमारी बॉडी का,
स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, बैक पेन बहुत रहता है, उसकी वजह से पूरी बॉडी पे असर आता है। तो अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते रहिए और बैठने का पोस्चर स्ट्रेट रखिए जो मैंने बताया था, क्योंकि आप कितने मोटे भी हो जाओ ना तो उसके बाद भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर चुके होते हो। नहीं तो फिर बहुत बॉडी स्टिफ होती है, उसके कारण कुछ ना कुछ मतलब होता रहता है आपके साथ ना। कभी भी पेन किलर भी ले लेते हैं, एक्चुअली मुझे ज़्यादा मतलब क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ पेन किलर, अगर होता भी रहता है ना तो भी मैं पेन किलर लेती नहीं हूँ। और मैं आपको भी कहती हूँ जितनी ज़्यादा दवाइयों से दूर रहेंगे ना, पेन किलर और जैसे कोल्ड की सर्दियों की जुकाम होते ही फटाफट के भाई जुकाम है खांसी है तो ये एजिथ्रोमाइसिन ले लो या पैरासीटामोल ले लो या कुछ भी ले लो, तो वो बहुत नुकसान करती है बॉडी में। आप एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, सांसों पे ध्यान लगाते रहिए। शरीर आपका है, कमर आपकी है, तो ध्यान जरूर रखिए। और हफ्ते में एक दिन खाने का वीडियो डालेंगे खाने का, वो भी थोड़ा अच्छा सा दिखाऊंगी। अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, चाय भी एक टाइम कर दिया मैंने बस। तो भाई माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और इतना शांत लग रहा है ना, मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहो। 9:30 बज रहे हैं, घर भी जाना है। दिया कहेगी मम्मी तो पागल ही रहती है, दिन में चार चार पाँच पाँच बार यहीं रहती है बैठी। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेट जरूर लगाएं।